In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am Sahirish from Excel Group of Colleges, Sialkot. Court. We know you were worried about your education. So, here, Excel Group of Colleges providing you with a golden chance of joining our online classes. So, I welcome you all in our pre first year online classes. दिस इज़ अल्जब्रा एंड टिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स इलेवन पंजाब करिकुलम एंड टेक्सट बुक बोर्ड लाहौर लेट स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न की बात की जाए तो ये बेस करता है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप पे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास ट्वेंटी एम सी क्यूज आएंगे जिनके ट्वेंटी मार्क्स होंगे सब्जेक्टिव टाइप की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस के तीन पोर्शन होंगे जिनके टोटल मार्क्स आपके पास फिफ्टी होंगे फर्स्ट पोर्शन में आप 12 में से एट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे सेकंड पोर्शन में 12 में से एट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे थर्ड पोर्शन की बात की जाए तो थर्टीन में से नाइन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे सब्जेक्टिव टाइप में नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन थर्टी मार्क्स के होंगे जिनमें से पांच में से तीन लॉन्ग क्वेश्चंस आप हल करेंगे मूविंग ऑन टूवर्ड्स चैप्टर नंबर नाइन फंडामेंटल्स ऑफ टिग्नोमेट्री द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इज टिग्नोमेट्री एंगल पॉजिटिव एंगल negative angle segmental system radian relation between degree and radian important relation l is equal to r theta so we are going to start with the introduction so in introduction trigonometry is an important branch of mathematics trigonometry basically mathematics की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स ट्राई गी एंड मेट्रॉन ट्राई मीन थ्री गॉनी मीन एंगल्स एंड मेट्रॉन मीन मयरमन ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन ग्रीक वर्ड्स से अहस की गई है ट्राई गी और मेट्रॉन से जिनका मतलब तीन एंगल्स को मैयर करना है आसान अल्फाज में बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एंगल्स को मैयर करना बताता है ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज इन बिजनेस इंजीनियरिंग, सर्वाइंग नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस। ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो ये यूज़ होता है बिजनेस में इंजीनियरिंग में सर्वेइंग में नेविगेशन में एस्ट्रोनॉमी फिज़िकल एंड सोशल साइंसेज में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये ओशनोग्राफी में यूज़ होता है जहाँ हम ओशंस में बनने वाली टाइड्स की हाइट को मैयर करते हैं थ्रू डिग्नोमेट्री इसी तरह एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ली जाए तो साइन और कोसाइन हमारे पास फंडामेंटल पेरियोडिक फंक्शन है जो साउंड और लाइट वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं मूव करते हैं हमारी डेफिनेशन की तरफ जो है एंगल टू रेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल वन ऑफ द रेज ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड अदर एज टर्मिनल साइड द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड एंगल की बात की जाए तो ये बेसिकली फिगर है जो दो रेस से मिल बनती है जिन्हें हम साइड्स ऑफ एंगल कहते हैं जो कि कॉमन एंड पॉइंट शेयर करते हैं जिसे वर्टेक्स कहते हैं जैसे कि फिगर में शो किया गया है कि आपके पास रे वन है ब्लू कलर में रे टू है रेड कलर में ये एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट शेयर कर रहे हैं जिसे हमने वर्टेक्स का नाम दिया है पर्पल कलर में एक रे को हम टर्मिनल साइड कहेंगे और दूसरी को हम इनिशियल साइड करेंगे कहेंगे बेसिकली एंगल को हम उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से आइडेंटिफाई करते हैं मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल एन एंगल इज़ सेट टू बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव एंगल एन एंगल इज सेट टू बी नेगेटिव इफ़ द रोटेशन इज क्लॉक वाइज कहता है कि पॉजिटिव एंगल आपके पास क्या है जिसमें आपके पास अगर रोटेशन एंटी क्लॉक है तो एंगल पॉजिटिव होगा अगर आपके पास रोटेशन क्लॉक है तो एंगल नेगेटिव होगा लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एंटी क्लाक और क्लॉकवाइज से क्या मुराद है सो आपको बताते चलें कि क्लॉकवाइज रोटेशन बेसिकली क्या है अगर आप घड़ी की मिसाल लें तो घड़ी मूव करती है ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन फिर वापस ट्वेल्थ पे सो क्लॉक वाइज रोटेशन बेसिकली इस घड़ी की रोटेशन को ही हम कहते हैं जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयाँ मूव करती हैं उसी डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज वाइज डायरेक्शन कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हमारे पास बेसिकली क्या है कि अगर हम घड़ी की सुइयों को उल्ट डायरेक्शन में मूव करें तो वो हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज में चला जाएगा जैसे कि ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन फिर से ट्वेल्व तो ये बेसिकली आपके पास एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगी नेक्स्ट है आपके पास मेजरमेंट फॉर एंगल्स एंगल को मैयर करने के कितने तरीके हैं देर आर टू कॉमनली यूज मयरमेंट फॉर द एंगल्स डिग्री रेडियन एंगल को हम दो तरीके से मैयर कर सकते हैं पहला है आपके पास डिग्री दूसरा है आपके पास रेडियन फर्स्ट को डिस्कस करते हैं सेगमेंशल सिस्टम जिसमें हम बेसिकली डिग्री मिनट और सेकेंड को लेते हैं इफ़ द इनिशियल रे ए बी rotates in anti clockwise direction in such a way that it coincides with itself the angle then formed is said to be 360 degree so basically isme kya keh raha hai ki ek ray hai ab jo anti clockwise direction mein move kar rahi hai इस तरह के वो खुद को जा मिले तो वहाँ पे angle basically 360 का बनेगा One rotation की बात की जाए तो वो equal है थ्री सिक्सटी डिग्रीज के वन डिग्री की बात की जाए तो वो इक्वल है सिक्सटी मिनट के वन मिनट की बात की जाए तो वो इक्वल है सिक्सटी सेकेंड के सर्कुलर सिस्टम रेडियन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियन को जिसे हम सर्कुलर सिस्टम भी कहेंगे रेडियन इज द मैयर ऑफ एंगल सप्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इज़ डिनोटेड बाय वन रेडियन हम रेडियन की बात करें तो बेसिकली एंगल को मैयर करने की ऐसा यूनिट रेडियन है यहाँ रेडियन को डिफाइन किया गया है कि रेडियन हमारे पास कब बनेगा जब सर्कल की आर्क और सर्कल का रेडियस दोनों इक्वल होंगे तो आपको वन रेडियन मिलेगा इस सर्कल की आग को रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू कलर से सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है रेड कलर से जब ब्लू और रेड दोनों बराबर होंगे लेंथ में तो आपके पास आएगा वन रेडियन जिसे ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन अगर हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन मालूम करें तो हमारे पास ये होगा वन डिग्री इज़ इक्वल टू पाए डिवाइडेड बाय 180 एटी रेडियन वन डिग्री आपके पास इक्वल है पाए डिवाइडेड बाय 180 एटी रेडियन जबकि पाए की जगह हम 3.1416 पॉइंट पुट करके 180 एटी पर डिवाइड करें तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा जो कि 0.01745 है वन रेडियन का रिलेशन चेक करते हैं डिग्री के साथ वो है आपके पास वन रेडियन इज़ इक्वल टू 180 यहाँ आप पाई की जगह 3.1416 पुट करेंगे और 180 को 3.1416 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 57.296 डिग्री मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 पे क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेगमेंशल ऑफ एंगल इन रेडियंस आसान अल्फाज में बात की जाए तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने डिग्रीज़ को कन्वर्ट करना है रेडियन में फ़र्स्ट पार्ट है थर्टी डिग्रीज़ इस थर्टी डिग्री को अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय वन एटी के साथ थर्टी मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय वन एटी रेडियंस जब आप जीरो को जीरो से कट करेंगे तो आपके पास आएगा थ्री पाई डिवाइडेड बाय एटीन रेडियन थ्री और एटीन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा वन डिवाइडेड बाय सिक्स चूँकि पाई ऊपर मौजूद है तो पाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ रेडियन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आर ए डी ये था आपकी क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट नंबर टू पे जो कि है फोर्टी फाइव डिग्रीज यहाँ पे आप जब डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय वन इटी के साथ आपने फोर्टी फाइव को मल्टीप्लाई किया पाई डिवाइडेड बाय वन ईटी के साथ और कटिंग करने के बाद आपको मिला वन डिवाइडेड बाय फोर पाई सो इस तरह डिग्री कन्वर्ट हो गया रेडियन में थर्ड पार्ट है आपके पास थर्टी फाइव डिग्रीज एंड ट्वेंटी मिनट ये क्वेश्चन ऊपर मौजूद क्वेश्चन से डिफरेंट है यहाँ पे आपको 35 डिग्री के साथ 20 मिनट भी मेंशन किया गया है सो so, इस मिनट को चेंज करने के लिए डिग्री में आप 60 से डिवाइड करेंगे जैसे कि 35 फाइव प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी डिग्री इस तरह 35 डिग्री और 20 मिनट तब्दील होकर डिग्री में चला जाएगा जो कि बनेगा 35 फाइव प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी रेडियन में चेंज करने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले आपको 20 और 60 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आप लेंगे एल्सीम एल्सीम लेके आपके पास आएगा 105 ओ फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री डिग्रीज वन में जब 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 106 ओ सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री डिग्रीज अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाए डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओ सिक्स को पाई से मल्टीप्लाई किया 3 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 53 थ्री पाए वन टू सेवन ज़ीरो रेडियन अब थ्री मिनट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थ्री मिनट थ्री सेकेंड्स को बल्कि आप चेंज करेंगे रेडियन में थ्री सेकेंड्स को रेडियन में चेंज करने के लिए उससे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो ये है कि आप इसे कन्वर्ट करें डिग्रीज़ में आप थ्री सेकेंड्स को सॉल्व नहीं कर सकते तो आपने थ्री डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स हंड्रेड लिखा तो वो क्वेश्चन चेंज हो गया डिग्रीज़ में अब चूंकि सेकंड आपको डिग्री में चले गया ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आप मिनट की बात करेंगे तो सिक्सटी से डिवाइड करेंगे लेकिन जब आप सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आप थर्टी सिक्स हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आपका बेसिकली डिग्रीज़ में चला जाएगा जब आपने थ्री को थर्टी सिक्स हंड्रेड पर डिवाइड किया तो आपके पास आया वन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व हंड्रेड डिग्रीज़ अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाए डिवाइडेड बाय वन एटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा वन को जब आप पाए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाए ट्वेल्व हंड्रेड को जब आप वन एटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू वन सिक्स ट्रिपल जीरो रेडियन सो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ मूविंग ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेयर्स ऑफ एंगल्स इन टू ऑफ सेगमेंशियल सिस्टम अब बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रेडियन में गिवन है आप डिग्रीज में कन्वर्ट करें ये क्वेश्चन पिछले दिए हुए क्वेश्चन से डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन में आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया और इस क्वेश्चन में आप रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे सो इसका तरीके क्या है कि आप पाई डिवाइडेड बाय एट को मल्टीप्लाई करेंगे वन एटी डिवाइडेड बाय पाई से पिछले क्वेश्चंस में हमने पाई डिवाइडेड बाय वन एटी से मल्टीप्लाई किया यहाँ हम उल्ट काम करेंगे हम यहाँ वन एटी डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाए पाए से कैंसिल होगा वन एटी को एट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू डिग्रीज जब फोर्टी फाइव को हम टू पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आएगा जो कि ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ज़ीरो है अब चूँकि ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव है आप इसे ब्रेक करेंगे 22 टू प्लस ज़ीरो ज़ीरो में इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे चूँकि अब ये पार्ट आपके पास डिग्रीज़ में है आप क्या करेंगे इसको मिनट में बनाएंगे यानी ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो को आप मिनट में चेंज करेंगे कैसे करेंगे आप आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में सिक्सटी से डिवाइड किया यहाँ पे आप सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो को जब आपने मल्टीप्लाई किया सिक्सटी के साथ तो आपके पास आया थर्टी मिनट अब आप सेंटर से एडिशन के निशान को हटाएंगे तो आपके पास आएगा ट्वेंटी टू डिग्रीज एंड थर्टी मिनट सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर वन मूविंग ऑन टूवर्ड्स सेकेंड पार्ट दैट इज़ पाए डिवाइडेड बाय सिक्स ये क्वेश्चन चूंकि रेडियन में है इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 180 डिवाइडेड बाय पाए से मल्टीप्लाई करेंगे पाई पाई से कैंसिल होगा वन को जब आप सिक्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा थर्टी डिग्रीज अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर एग्जैक्ट आया दैट इज थर्टी डिग्रीज आपके पास कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं आए तो इसका मतलब है इससे आप मजीद सॉल्व नहीं करेंगे जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन को पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए आपने उसको मज़ीद सॉल्व किया आपने उसमें सिक्सटी से मल्टीप्लाई किया तो उसने आपको एग्जैक्ट वैल्यू थर्टी दी सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर टू मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज़ द सर्कुलर मेयर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट फोर ओ क्लॉक कहता है जब चार बजेंगे तो वहाँ पे एंगल क्या बनेगा एट फोर ओ क्लॉक द और हैंड इज़ एट फोर एंड मिनट हैंड इज़ एट ट्वेल्व कहता है कि अगर फोर ओ की बात करें तो घड़ी की छोटी सुई चार पे होगी जबकि बड़ी सुई बारह पे होगी हो और हैंड आपके पास फोर पे होगा और मिनट हैंड आपके पास ट्वेल्व पे होगा इनके दरमियान एंगल मलूम करते हैं एंगल बिटवीन टू कन्जेक्टिव नंबर्स इज इक्वल टू इन दोनों नंबर्स के दरमियान अगर हम एंगल को फाइंड आउट करें तो वो आपके पास आएगा 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व थ्री बेसिकली उस सर्कल की टोटल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सर्कल जब पूरा मूव करता है जैसे कि 12 पे अगर है सुई तो 12, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन्थ टेंथ इलेवन जब वापस ट्वेल्थ पे आएगी तो वो एक चक्कर पूरा कर गई होगी जिसे अगर हम डिग्रीज में बात करें तो हमारे पास आएगा थ्री सिक्सटी डिग्रीज़ सो बेसिकली हमने थ्री सिक्सटी डिग्री रखा और ट्वेल्थ चूँकि टोटल आपके पास मिनट हैं ट्वेल्व आपके पास टोटल और को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ट्वेल्थ से लेकर दोबारा मूव करेगा बारह घंटे होंगे तो आप बारह से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा थर्टी डिग्रीज़ जिसे आप रीनिन में कन्वर्ट करेंगे किस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय वन एटी के साथ थर्टी को वन एटी पर डिवाइड करेंगे तो आएगा वन डिवाइडेड बाय सिक्स चूँकि उसके साथ पाई है तो पाई मल्टीप्लाई होगा एंगल बिटवीन हैंड्स एट फोर ओ क्लॉक चूंकि आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने एंगल बताना है बिटवीन हैंड्स एट फोर ओ क्लॉक सो हमने यही लाइन मेंशन की हमने पाई डिवाइडेड बाय सिक्स को मल्टीप्लाई किया फोर के साथ चूँकि आपने फोर ओ क्लाक के ऊपर ताना है तो आपने फोर से मल्टीप्लाई किया जब आप फोर को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके सिक्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा टू पाए डिवाइडेड बाय थ्री क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास फाइंड थीटा व्हेन फर्स्ट इज़ एल इज़ इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सी एम दैट इज सेंटीमीटर स्मॉल आर इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रिलेशन यूज़ करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा क्वेश्चन में आपके पास एल और स्मॉल आर गिवन है आप मालूम करेंगे थीटा कैसे मालूम करेंगे आप एल और आर की जगह वैल्यूज़ को पुट करेंगे क्योंकि आपने थीटा फाइंड आउट करना है थीटा 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आया जीरो पॉइंट सिक्स रेडियन क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास फाइंड एल व्हेन फर्स्ट इज़ थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड आर इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर यहाँ आप रिलेशन यूज़ करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा आर और थीटा की जगह आप वैल्यूज को पुट करेंगे सिक्स मल्टीप्लाई पाई बनेगा पाई की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 18.85 पॉइंट एट चूंकि क्वेश्चन में आप के पास आर सी एम में है तो आप एल के साथ भी सी एम रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर टू है आपके पास थीटा इज इक्वल टू तो सिक्सटी फाइव डिग्रीज ट्वेंटी मिनट स्मॉल आर है आपके पास एटीन एम एम आप सबसे पहले इस थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में थीटा को कन्वर्ट करना है रेडियन में आपके पास है 65 फाइव डिग्रीज एंड 20 मिनट सबसे पहले आप इस मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में किस तरह आप 60 से डिवाइड करेंगे जीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा टू को सिक्स पे डिवाइड करेंगे तो आएगा वन डिवाइडेड बाय थ्री नेक्स्ट में आप इनका एल्सियम लेंगे जो कि आपके पास आएगा वन नाइन्टी फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री वन नाइन्टी फाइव में जब आप वन को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा वन नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री अब इस डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पाए डिवाइडेड बाई वन एटी के साथ पाए के पाई की वैल्यू रखेंगे आप थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे आप वन नाइन्टी सिक्स से और डिवाइड कर देंगे आप थ्री मल्टीप्लाई बाय वन एटी से तो आपके पास आंसर आएगा वन पॉइंट वन फोर जीरो थ्री रेडियन नेक्स्ट आप रिलेशन यूज़ करेंगे वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आर की वैल्यू रखेंगे और थीटा की वैल्यू रखेंगे आर है आपके पास एटीन थीटा है आपके पास वन पॉइंट वन फोर ज़ीरो थ्री मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 20.53 पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके पास फाइंड आर व्हेन एल इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 रेडियन आप रिलेशन यूज़ करेंगे एल इज़ इक्वल टू आर थीटा एल और थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइव टू से मल्टीप्लाई होगा तो आर आ जाएगा आपके पास टेन सेंटीमीटर So this is all. If you have any question, do ask. Thank you.